गायत्री मिल गई। ये लोग कहाँ गए? अरे गायत्री मिल गई, गायत्री मिल गई। अरे देवा, क्या मुसीबत है। जब मैं स्कूल में था तब अपना होमवर्क नहीं करता था, लेकिन अभी उज्ज्वला का करना पड़ रहा है। अभिषेक, तुम लोग गायत्री को ढूंढ रहे हो ना? गायत्री को? हाँ मोलदा, वो मुझे मिल गई है। कल रात को ही मिल गई थी। मैंने सबको बोला चलो चलो, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं चला। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलाता हूँ। ये अमोल दादा पता नहीं कौन सी गायत्री से मिल पाएंगे। आपको मिल गई ना, तो मुझे ढूंढने दीजिए। अच्छा, मतलब सब लोग अपनी अपनी गायत्री ढूंढ रहे हैं? हाँ। मत, मुझे तो मिल गई। अरे ये तो उज्ज्वला की बुक है, तेरे पास कैसे आई? अरे बाप रे, अब ये पूरे घर में ढिंढोरा पीटेंगे। दादा, मैं इसमें गायत्री का ड्राइंग बना के उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, ड्राइंग बना के है ना। बस ढूंढ ढूंढ, अगर तुझे नहीं मिले ना तो मुझे बोलना, क्योंकि मुझे तो मिल गई है। तो अभी आप जाइए। जाऊं? हाँ ठीक है। अन्ना, अन्ना। हाँ बाड़ा। वो अभिषेक है ना, अभिषेक, वो मस्त ढूंढ रहा है गायत्री को, मालूम। और जिस तरह से वो ढूंढ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि उसको भी गायत्री मिल जाएगी। उसको भी? तुझे भी मिल गई ना गायत्री? हाँ तो, लेकिन अभिषेक मस्त ढूंढ रहा है किताब में। किताब में? ये क्या कुछ भी बोल रहा है शास्त्री रामानुज। मैं सच बोल रहा हूँ ना, वो ना किताब में ऐसे ऐसे चित्र बना रहा है। अभिषेक काका चित्र बना रहे? हाँ। अन्ना, मेरे मस्तिष्क में अभिषेक काका के आशय को लेकर एक तो ये सर खपा रहा है, ऊपर से तू आ गया मेरा सर खाने के लिए। एक तो गायत्री कहाँ है वो अभी तक पता नहीं चला है। अरे मुझे मिल गई है ना गायत्री, मैं दिखाऊं? नहीं नहीं, तुझे जो मिली है ना वो तेरी वाली अपने पास में ही रखा बाड़ा। फिर मुझे आप बोलना मत कि मैंने दिखाया नहीं। नहीं नहीं बोलूंगा, मैं वचन देता हूँ वाचस्पति गोखले। वाचस्पति गोखले, मस्त है। अन्ना आप मेरी बात मान रहे? तू भी जाए, निकल। अभी इधर जाके बैठ गया, मैं भी जाता हूं। एक तो कल रात पूरी रात वो ढोंडू के साथ जा जाकर हमने जगह जगह गायत्री को ढूंढा। उसके बाद अमोल ने भी परेशान कर दिया। अमोल भाऊजी हमारे पास भी आए थे, केशव भाऊजी। हाँ। गायत्री मिल गई कहते हुए। हाँ। कहीं उन्हें सच में तो नहीं मिल गई गायत्री? निर्मिति तुला कलत कसन आए, वो दो बार आया था ना हमारे पास ये कह के कि गायत्री मिल गई। हाँ। क्या हुआ क्या हुआ? पहली बार हमें वो महेंद्र बाबू की दुकान का बोर्ड दिखाया, गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स। हाँ। और उसके बाद वो बुड्ढी से मिलवा दिया ये कह के कि वो गायत्री है। अभी भी तुम्हें विश्वास है अमोल पे? हमें ही गायत्री को ढूंढना पड़ेगा। अरे लेकिन हम कल 25 जगह गए तो थे ढोंडू के साथ उसको ढूंढने। बाकी की जगह आज जाएंगे प्रभाकर दादा। ए वड़ा पाव वड़ा पाव। अरे हो रहा ताजा गरम वड़ा पाव, एक बार खाएगा बार बार खाएगा, पॉकेट में मांगेगा तो लात खाएगा। ए वड़ा पाव ताजा गरम वड़ा पाव, एक बार खाएगा बार बार खाएगा, पॉकेट में मांगेगा तो लात खाएगा। तो ये रहा ढूंढू। राम राम मंडड़ी, लेकिन क्या मस्त जगह है, यहाँ पर तो मुझे वड़ा पाव बेचने के लिए आना ही पड़ेगा। एक मिनट, मतलब तू यहाँ पे वड़ा पाव नहीं बेचता? नहीं। तो फिर हमें क्यों बुलाया यहाँ? क्यों? अब हम लोगों का क्या तय हुआ था, मैं आप लोगों को वो जगह पर भी लेके जाऊंगा जहाँ मैं वड़ा पाव नहीं बेचता हूँ। अरे इसका सर तोड़ दूंगा मैं। ढूंढू आई, पहले तू हमें वो जगह दिखा जहाँ पे तू वड़ा पाव बेचता है, हम वहाँ पे गायत्री को ढूंढेंगे। अगर नहीं मिली तो फिर हमें तू वो जगह लेके जा जहाँ पे तू वड़ा पाव नहीं बेचता है। कर ला, चल आता। चलो।
पकड़ लड़की को। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप समझ क्यों नहीं रही? इस काम के पैसों से हम अपने नाटक को लोगों तक लेके जाएंगे। जब छोटा बड़ा तुम दोनों ना जेल जाओगे। नाटक बनाने के लिए तुम लोगों को 1 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, कौन सा 1 करोड़, हमें तो सिर्फ 10,000 मिलने वाले हैं। छोड़ो, सिर्फ 10,000? तो फिर ये 1 करोड़ किसके लिए मांग रहे हैं? हो ना हो, ये बेचारे नाटक कंपनी वाले सिर्फ प्यादे हैं, असली खेल कोई और ही खेल रहे हैं। अभी क्या है तुझे? एक छोटी सी चोरी करने के लिए आज्ञा दीजिए अन्ना। चोरी? चोरी करने की आज्ञा मांग रहा है तू? आप ही के संस्कार है अन्ना। ए माकर तोंडिया, मैंने चोरी करने के संस्कार दिए हैं तुझे? अन्ना, मैं बड़ों से उनकी आज्ञा मांगने के संस्कार की बात कर रहा था। अन्ना, मैं आपसे वो स्मरण पुस्तिका चुराने की आज्ञा मांग रहा था जिसमें वो अभिषेक काका गायत्री काकी का चित्र बनाकर उन्हें ढूंढ रहे। और अन्ना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अभिषेक काका का ढकोसला है। मंदार बाड़ा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू है ना ज्यादा धूप में मत जाया कर, अक्कल का बाष्पीभवन हो जाता है। अन्ना, आप मेरी बात समझिए ना, ये वही अभिषेक काका है जो आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं। और मुझे शंका है कि अभिषेक ने जो किया वो गलत किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके हर आशय में हम लोग शंका करेंगे। और फिर कुछ सबूत बुबूत भी है क्या तेरे पास? सबूत ही तो चुराने के लिए आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ मैं अन्ना। अन्ना, आप मेरी बात मानिए, वो अभिषेक काका के पास से स्मरण पुस्तिका में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है अन्ना। हाँ अन्ना, मंदार दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए अन्ना, ये नोटबुक जो अभिषेक काका दुकान पे लेके बैठते थे, इसमें उन्होंने क्या किया है? ये तो उज्ज्वला की बुक है जिसमें मैं उसका होमवर्क करके दे रहा हूँ। ये अन्ना के हाथ में कैसे? अन्ना, आ गए अभिषेक काका। अभिषेक, ये तूने लिखा है? जवाब दे मुझे, तूने लिखा है ये? अब सच बोल ही दे अभिषेक कि तुझे उज्ज्वला का होमवर्क क्यों करना पड़ रहा है? वो मैं इतना प्यार करता है तू गायत्री को, इतना प्यार कि हाँ, नसीब वाली है वो लड़की। लेकिन अन्ना, गप्पा मूर्खा, ये देख इस स्मरण पुस्तिका के हर पन्ने पर गायत्री 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 लिखा हुआ है। वो भी 5,000 बार अन्ना। दिल जीत लिया आज तूने अभिषेक, आज तेरे सारे गुनाह माफ। शाबाश बाला, शाबाश, अपनी पत्नी की देवता की तरह पूजा करता है तू, गर्व है तुझ पे। लेकिन अन्ना, और धिक्कार है तुझ पे। क्या क्या मेरे दिमाग में भरते रहता है मेरे राम के बारे में? अगला व्या अभी देख, अभी जिंदगी में कभी भी मेरे अभिषेक के ऊपर शंका की ना, तेरी खैर नहीं। 5,000 बार उज्ज्वला, ये ले एक और बुक। अमल दादा, मैं आपको इसमें
लेकिन ये तो मैंने अरे मैं सुनाती हूँ ना बोल काका चले चलो। इसका मतलब उज्ज्वला बेचारे अमोल दादा से नोटबुक में गायत्री का नाम लिखवा रही है। ये लड़की भी ना अक्षर देख राम है राम आप इसे अरे देवा जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अन्ना अपने मन में वापस मेरे राम की छवि बड़ी करते जा रहे हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू का किडनैपिंग करवाने में उनके इसी राम का हाथ है तो वापस राम से रावण बन जाऊंगा मैं और मेरा पुतला फूंकने के लिए अन्ना दशहरा की राह नहीं देखेंगे। ले लो वड़ा पाव ताजा ठंडा वड़ा पाव ले लो ताजे ठंडे वड़ा पाव ले लो वड़ा पाव ताजे ठंडे वड़ा पाव। एक वड़ा पाव दे भाव अभी नहीं रात को मिलेगा। तो अभी क्यों इतना चिल्ला रहा है? इन लोगों ने बोला इसके लिए। तुम लोग क्या अनाड़ी हो क्या? सॉरी सॉरी भाई साहब। क्या है ये ढूंढ्या अक्कल भी कराए कि नहीं? जब वड़ा पाव है ही नहीं तो चिल्ला क्यों रहा है? भाव क्या करूं आदत है ना। अरे लेकिन हमें आदत नहीं है ना लोगों के ऐसे घूर के देखने की। ढूंढ्या अगर तू अभी चिल्लाया ना वड़ा पाव तो तेरे नाक का समोसा बना दूंगी। निर्मिति हम तीनों वापस अलग अलग जगह जाकर ढूंढते हैं। प्रभाकर दादा तुम इकले स्तंभा आने जाने वालों से अच्छे से पूछताछ करना समझ गए? अरे तू चिंता मत कर केशव मैं कर लूंगा। चला चला चौका जा भारती। ए वड़ा ओ ताई आपको कोई ऐसी जगह पता है क्या कि जहाँ कोई सुंदर लड़की को किडनैप करके रखा जा सके? क्या बेशरम कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? वड़ा पाव वड़ा पाव ताजे टट्टे वड़ा पाव वड़ा पाव। मेघनाथ आगे बढ़ो मेरे सीने पर पैर रखकर। मेघनाथ क्या बोला तुम? क्या बोला मेघनाथ? टफर कहीं के मेघनाथ रामायण में था महाभारत में क्या घुसा दिया तुम दोनों ने? आजकल रिमिक्स का जमाना है थोड़ा अलग टाइप का नाटक है हमारा। रामायण की महाभारत शकुनी और रावण का एक पार्टी सीन भी है। तुम दोनों नाटक बना रहे हो कि मजाक बना रहे हो? तुम लोग को ना जूते ला चप्पलें पड़ेंगी ऑडियंस की। मैं भी यही कह रहा। अबे तू बकवास बंद कर और मेघनाथ की एंट्री ले चल। मैं हूँ मेघनाथ बच्ची कांप जाती है सुन के मेरे नाथ। ओ डफर कहीं के मेरे खुद कांपना बंद कर। भूख लग रही है इसलिए कांप रहा हूँ कल से कुछ नहीं खाया अब कहाँ से लाऊं इतनी ताकत। वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव एक वड़ा पाव मिल जाता तो ठीक है लाता हूँ तब तक तू उसका मुंह बंद रख। ए लबू क्या क्या कर रहे हो? बाय 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 ए भाई, छह वड़ा पाव दो जल्दी। नहीं नहीं, इनके पास में कोई वड़ा पाव नहीं है ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। भाई साहब गड़बड़ है ये आदमी वड़ा पाव बेचने के बहाने किसी और मकसद से आया यहाँ। ये शहर ही ऐसा है मैडम आदमी यहाँ क्या बनने का इरादा लेकर आता है और क्या बन के रह जाता है। मैं भी यहाँ क्या बनने आया था और क्या बन के रह गया हूँ। मेरी कहानी सुनेंगी ना आप तो रो पड़ेंगी आप। तेरी माँ करू ना कहानी बोल के एक से बढ़कर एक नमूने इकट्ठे हुए यहाँ। भाई जब वड़ा पाव है ही नहीं तो वड़ा पाव चिल्ला के बेच क्यों रहे हो? नहीं वो वैसे कसूर तुम्हारा भी नहीं है ये दुनिया ही ऐसी हो गई है। टैलेंट है कह के अपने आप को बेचने वालों के पास कहाँ टैलेंट है। अरे बाप रे लगता है प्रभाकर भाऊजी ने जरूर इसको अपना कोई गाना सुना दिया है
आज तो ये मार खा के ही रहेंगे। केशव कहाँ चले गए? नहीं केशव, ये मुझे मार नहीं रहे, एक कलाकार की व्यथा सुना रहे। प्रभाकर दादा, अभी हमारे पास किसी की भी व्यथा सुनने का समय नहीं है। ओ भाई साहब, ये आपका दुखड़ा किसी और को जाके सुनाइए, ठीक है? हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। प्रभाकर दादा चला। नहीं वो मैं। चला आहो, चला। फिर मिलेंगे भाई। हाँ। फिर मिलेंगे। चला भाऊजी, चला। ए वड़ा पाव।